अध्यक्ष डोटासरा से अनबन की बातें निराधार है। डिजाइन बॉक्स के नरेश अरोड़ा की प्रतिक्रिया। मीडिया के कुछ वर्ग मेरे और अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के बीच एक बैठक की काल्पनिक कहानियां बना रहे हैं। मेरे मन में उनके और राहुल गांधी के प्रति अत्यंत सम्मान है। ये चुनाव से पहले कांग्रेस के अभियान को विफल करने की कोशिश है। ऐसा करने वालों के निहित स्वार्थ सफल नहीं होंगे। राजस्थान में कांग्रेस की जीत तय है। नरेश अरोड़ा ने ये ट्वीट किया है। डिजाइन बॉक्स के नरेश अरोड़ा, जिन्होंने जो खबरें चल रही हैं उन खबरों को निराधार बताया और कहा कि कुछ भी इस तरह का चल नहीं रहा जिसको जिसके बारे में बाजार में चर्चाएं हो रही हैं या चर्चाओं का बाजार गर्म है। राजस्थान में कांग्रेस की जीत तय है और इसीलिए क्योंकि जो हमारे कार्य हैं उनको विफल किया जाए, इसलिए इस तरह की बातें फैलाई जा रही हैं। अध्यक्ष डोटासरा से अनबन की बातें निराधार हैं। मीडिया के कुछ वर्ग मेरे और अध्यक्ष डोटासरा के बीच इस तरह की बातों को लेकर अफवाह फैला रहे हैं, बैठक की काल्पनिक कहानियां बना रही हैं, लेकिन ये सब हमारा जो कार्य प्रगति पर है उसे विफल करने की कोशिश है। उन्होंने कहा, मेरे मन में उनके और राहुल गांधी के प्रति अत्यंत सम्मान है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा, ये चुनाव से पहले कांग्रेस के अभियान को विफल करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, जैसे जैसे चुनाव आ रहा है अलग अलग बातें भिन्न आती हैं। कहीं अनबन की अफवाहें होती हैं तो कहीं गठजोड़ की बातें होती हैं, और उन्हीं बीच में जो अफवाहों का बाजार था उसमें नरेश अरोड़ा और अध्यक्ष डोटासरा की जो अनबन है उन बातों को का जिक्र लगातार हो रहा था। लेकिन अब नरेश अरोड़ा ने इसको लेकर ट्वीट किया है और कहा है कि ये जो बातें मीडिया में चल रही हैं, और उन्होंने कोच करके कहा कि मीडिया के कुछ वर्ग इस तरह की बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा ये सब निराधार बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं सभी का सम्मान करता हूँ। खासतौर पर उन्होंने अपने ट्वीट में डोटासरा और राहुल गांधी दोनों के लिए कहा कि उनके और राहुल गांधी के प्रति मेरे मन में अत्यंत सम्मान है। हालांकि अब सच क्या है, क्या नरेश अरोड़ा जो कह रहे हैं वो वाकई सच है, और जो अंदर खाने या मीडिया में जो बातें चल रही हैं उसकी जो वो क्या वाकई में निराधार है, ऐसा अनबन की जो बातें हैं क्या वो वाकई में नहीं हुई है। बहरहाल नरेश अरोड़ा ने ये ट्वीट करके साफ किया है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। अगर ऐसा कुछ मीडिया में चल रहा है तो उसको आप इनको गलत मानें, क्योंकि मेरा जो सम्मान है वो राहुल गांधी के प्रति भी है और गोविंद सिंह डोटासरा के प्रति भी है। और ये नरेश अरोड़ा का ट्वीट है जिसे हम बता रहे हैं। क्योंकि पिछले दिनों अगर बात करें, राहुल गांधी दौरे पर आए थे और उसके बाद बहुत कुछ जो बातें हैं वो सुनने में आई थी। हालांकि बहुत दिन तक तो कुछ ऐसा सामने नहीं आया, लेकिन फिर धीरे धीरे कुछ बातों का जिक्र होने लगा। क्या वाकई में ये बातें बेमानी बातें हैं या वाकई में ऐसा कुछ हुआ, इस बात का सवाल जो है हर कोई कर रहा था। अब नरेश अरोड़ा ने ये ट्वीट किया है, ये ट्वीट आपको दिखा रहे हैं, और ये ट्वीट उन्होंने अंग्रेज़ी में किया था जिसको हम हिंदी में बता रहे हैं कि उन्होंने ये कहा है कि गोविंद सिंह डोटासरा और उनके बीच में जो मीटिंग की बात हुई, और उन्होंने इसको ये कहा कि इमेजिनरी जो स्टोरीज बनाई जा रही हैं यानी काल्पनिक जो कहानियाँ बनाई जा रही हैं वो एक जो मीडिया का वर्ग है यानी सेक्शन ऑफ मीडिया आर कुकिंग अप, कुछ जो मीडिया का वर्ग है वो इस तरह की बातें बना रही हैं। अब ये आपको ग्राफिक्स के ज़रिए भी हम बता रहे हैं, जहां एक तरफ नरेश अरोड़ा ने इसको लेकर प्रतिक्रिया दी है तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि डोटासरा जो हैं उनकी तरफ से भी कुछ आरोप वाली बात आई थी। स्ट्रैटेजिस्ट सोचें कि सरकार संगठन उसकी मेहरबानी से टिके हैं, ऐसा जो
चीजें हैं वो निकल कर आई थी, तो वो एक खुद ही सरकार को लेकर उन्होंने कहा था कि कैंपेन से क्या होगा, पार्टी चुनाव में जाएगी तो पता होना चाहिए, पार्टी ने विश्वास किया है, इन्वेस्ट किया है। सीएम अशोक गहलोत जो है वो अच्छा कार्य कर रहे हैं, ऐसी कुछ बातें जो थी वो जो सामने आई थी। उन्होंने कहा नारा क्या होगा, ऐसे बहुत सारे जो सवाल हैं। देखिए, क्योंकि बैठक की बात हुई थी और बैठक में कहा गया था कि नरेश अरोड़ा और डोटासरा जो है उनकी बैठक में ऐसी कुछ बातें हुई, हालांकि अब इसका को निराधार बता रहे हैं नरेश अरोड़ा।